इस सरकार का रोज कोई ना कोई नया घोटाला सुनने को मिल जाता है। कभी शराब का घोटाला, कभी रजिस्ट्री का घोटाला, कभी धान की खरीद का घोटाला, कभी बिजली की मीटर का घोटाला, कभी दवाई का घोटाला, कभी पेपर लीक का घोटाला, कभी नौकरियों का घोटाला, कभी यमुना की माइनिंग का घोटाला, कभी डाडम की माइनिंग का घोटाला, घोटाले घोटाले हैं। लेकिन एक भी घोटाले में किसी बड़ी मछली की नहीं पकड़ी हुई है, छोटी मछली वो पकड़ते हैं। ये देखो, जबी तो ये प्रदेश जो है कर्जे में डूब गया। 2014 में जिस प्रदेश पे कुल 60,000 करोड़ कर्जा था, आज 2,00,000 से भी ज्यादा करोड़ हो गया। इतने दिन में कहाँ जाएगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। मैं कल से यहाँ आया हूँ, मैंने देखा, मैं रेस्ट हाउस में था जब भी बिजली चली जाती थी, हमारे समय में कभी बिजली नहीं गई। आज 8 घंटे किसान को बिजली देनी चाहिए, लेकिन देखे 5 घंटे, कभी 5 घंटे भी नहीं देते। बिजली कहाँ गई भाई। वो 4 थर्मल प्लांट लगाए हमने, गोरखपुर में न्यूक्लियर प्लांट लगाया, और नए नए हमने समझौते किए बिजली के। जिस दिन हमने सरकार छोड़ी उस दिन हरियाणा के पास जरूरत से ज्यादा बिजली थी। आज ये देख रहे, क्योंकि इन्होंने अपने हिस्से की बिजली बेच दी। तो ये आपके सामने बिजली कठिनाई में है, शिक्षा में और खेलकूद में तो सभी मेरे से बोलने वाले ने कह दिया। आज खेल खिलाड़ी परेशान, इस सरकार में किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी सब परेशान है, कोई सुख की चैन नहीं ले रहा। मैं कल आया था यार, कल मैं रात शाम को यहीं था और बहुत सारे लोग मेरे को मिले, मेरे को किसान भी मिले, मैं कर्मचारी भी मिले, और भी बहुत सारे लोग मेरे को मिले। ये देखो सारे जो रिप्रेजेंटेशन लिख के दे के गए वो सारे मेरे को मिले। तो खास तौर पे